हाय बच्चों, कैसे हो? ओ बहुत वक्त के बाद हम आए आप आए हैं। अभी हमको दुख है, कई दिनों के बाद हम आए, कई महीनों के बाद आए हैं। आप लोग वेट कर रहे होंगे कब बच्चे का वीडियो आएगा। अगर आप हमारे चैनल देख रहे हो इसलिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अभी हम सीखेंगे आज कैसे हमें प्रभु यीशु क्या प्यार करते हैं और आनंद की क्या जरूरत है। उसके लिए आज हम कोई मेहमान, हर हर वक्त के जैसे इस बार भी एक बार एक मेहमान आने वाला है। वो मेहमान कौन होगा? सोचिए सोचिए कौन होगा। अच्छे वाला मेहमान है और वो मेहमान का नाम है जूली, जूली बारो। आ जाओ। अभी ऐसे मुंह लटका हुआ क्या तुम्हारा? भैया मैं ज्यादा चर्च नहीं जा पाया, ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाया भैया, मैं इतना आलसी हो गया। ठीक है, तो तुम रोज क्या करते हो खुश होने के लिए? भैया मैं खेलने के लिए जाता हूँ बस दोस्तों लोगों के साथ। वो दोस्त लोग मुझे चिढ़ा के बेचते हैं, तुम्हारा बाल देखो कैसे है, तुम्हारा कपड़ा देखो कैसे है, तुम्हारा चेहरा देखो कैसे है, ऐसे मुझे चिढ़ा के बेच देते। मैं बहुत रो रो के घर पे आती हूँ। और क्या क्या करते हो खुश होने? तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, उनको भी यही तकलीफ है। रोज कुछ ना कुछ करते हैं। तुम जैसे मोबाइल खेल के खुश होने की कोशिश करते हो, तुम दोस्तों के साथ बात करते हो और बगीचे में जाते हो खेलने के लिए, मूवी देखते हो, मगर किसी में आनंद तो नहीं मिलता है। क्योंकि आप यीशु मसीह को मानने वाले हो तो आपको आनंद यीशु मसीह में मिलेगा। और उसके लिए हम एक कहानी देखेंगे कि यीशु मसीह कैसे आनंद दे सकता है। बस मैं यही भूल गया, यीशु मसीह आनंद देता है करके, लेकिन मैं ऐसे अभी ये कहानी सुनो, तुम भी सुनो। जो बच्चे इनकी इनकी जैसी हालत है जूली जैसा, वैसे तुम जितने भी तकलीफ वाले हो, जो भी ये परेशानी में से निकल रहे हो, टेंशन में हो, मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं है, तो तुम सब लोग के लिए ये वीडियो हम आज बनाए हैं। और ये कहानी खास सुनो। आज की कहानी है बुलबुल की दास्तान। कौन सा? बुलबुल की दास्तान। बुलबुल की दास्तान सुनो, अभी नई कहानी है। तो बुलबुल पक्षी आप देखे होंगे, छोटा सा रहता है, ठीक है, और क्या होता है उसका सिर के ऊपर थोड़ा चौरस सिर रहेगा और रोज अच्छे से मीठे मीठे गाने गाती है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा गांव था, एक राज्य था, उस राज्य के अंदर एक राजा राज करता था, मान सिंह करके। मान सिंह राजा हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन की वजह से वो खुश नहीं रह पाता था, क्योंकि इतना बड़ा राज्य को चलाना है तो क्या होना पड़ता है, मन बहुत दिमाग चलाना पड़ता है। और मेरा पापा भी ऐसे काफी से आता है ना, बहुत ऐसे दुखी के साथ रहते, इतना टेंशन हो जाता है। फिर क्या होता है, टेंशन होने की वजह से उनका सिर इतना पड़ता है, इतना दुखता है, ऐसे उनको कुछ समझ भी नहीं आता क्या करना है, तो इसके लिए वो लोग दुखी दुखी ही रहते हैं। तो वो राजा की ऐसी हालत हो गई, बहुत तकलीफ। कई बार आप लोगों को भी सिर दर्द हो जाता है। तो उस समय में अभी राजा के साथ क्या हुआ वो हम देखें, ठीक है। तो राजा ने एक बार ऐसे बहुत टेंशन में सो रहा था, तो सुबह में बहुत अच्छा सा आवाज आ रहा है बुलबुल का, चुक 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 ऐसे करके मस्त बुलबुल इतनी अच्छे से गा रही है। तो राजा धीरे धीरे सुनते 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 राजा को क्या हो गया, सिर दर्द चला गया, ठीक हो गया। तो अभी क्या हो रहा है, राजा जो है, राजा ने ऑर्डर दिया सब सैनिक लोगों को, जाओ और ये बुलबुल पक्षी को मेरे पास हाजिर करो। मान सिंह का ऑर्डर सुनकर सभी लोग तैयार हो गए और जाके बुलबुल पक्षी को कैसे भी जाल डाल के पकड़ के लेके आ गए। और बुलबुल पक्षी को लाके आया, राजा के सामने रखा और बुलबुल ने राजा को ऑर्डर दिया, तुम आज से मुझे खुश रखना है, तुम गाना गाओगी, मुझे सुनाओगी, नहीं सुनाओगे तो तुम्हें सजा मिलेगा। इसीलिए राजा का ऑर्डर है तो बुलबुल को मानना पड़ेगा। बुलबुल ने बोला ठीक है, मैं रोज गाना
गाओगे। फिर बुलबुल रोज गाना गाती थी। एक बार तूफान का वक्त था तभी भी बुलबुल ने गाना गाया, एक बार कुछ बारिश का वक्त था तभी भी बुलबुल ने गाना गाया। ऐसे करते करते कई दिन निकले, थोड़े एक हफ्ता जितना होने के बाद राजा को मजा आ रहा था, मगर एक दिन बुलबुल गाना ही नहीं गा रही। एक हफ्ता होने के बाद तो किसी को पता नहीं क्यों गाना नहीं गा रही। बुलबुल चुपचाप बैठी है, शांति से बैठी है, तो सब लोग टेंशन में आ गए क्योंकि राजा का सिर फट रहा है। क्योंकि बुलबुल की गाना का उसको आदत हो गया, अभी क्या करे। राजा बहुत दुखी, प्रजा भी दुखी, सब सैनिक लोग दुखी, सब लोग दुखी, इधर से नौकर लोग दुखी, दासी लोग दुखी, रानी दुखी और राजकुमार भी दुखी, सब लोग टेंशन में। राजा की वजह से सब लोग टेंशन में आ गए। सब लोग दुख क्यों हो गया? हाँ, सब लोग दुख क्यों हो गए? कैसे राजा से गला चल सकता है? ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए था। दुखी नहीं होना चाहिए। अभी क्या किया राजा ने? राजा ने बोला बुलबुल को हाजिर करो। बुलबुल आई, बुलबुल को पूछा गया। राजा ने पूछा क्यों गाना नहीं गा रही हो और इतने दिन से तुम गाना गा रही थी, अचानक से गाना कैसे बंद हो गया? तो बोलता है राजा जी माफ कीजिए, मगर रोज रोज मुझे कुछ ना कुछ परेशानी होती थी और मेरा गाना इसके लिए मैं गाती थी कि मुझे परेशानी होती थी। पहले दिन तूफान आया था इसलिए मैं बहुत गाना गा रही थी मेरे, क्योंकि मेरा पूरा घोंसला मेरा चढ़ गया था, वो टूट गया था, मेरे अंडे फूट गए थे इसलिए मैं रोज गाना गा रही थी। दूसरे बार बहुत सारी बारिश थी इसलिए मैं भीग रही थी इसलिए मैं गाना गा रही थी। ऐसी मेरे को बहुत सारी तकलीफें थी इसलिए मैं हफ्ते से गाना अच्छे से गा पाई, मगर अभी अब कोई तकलीफ नहीं है। तो बाद में बुलबुल ने क्या किया, वो उनको राजा को समझाने लगी, राजा जी मैं दुखी हुए बिना गाना नहीं गा पाऊंगी। राजा बोला तुम कुछ भी करो मुझे दुखी नहीं गीत गाती है क्या? इसलिए उसके राजा का चलना ही हुआ, दुखी के दौरा में उसके आनंद मिलते देखे भी क्या आनंद मिलता है। तो अभी क्या हो रहा है, जो राजा है उसको कह रहा है कुछ भी करो। तो फिर बुलबुल ने किया, राजा को खुश करना है, जब राजा खुश होगा तो प्रजा भी, लोग भी खुश रहेंगे, सब लोग खुश रहेंगे, तो मैं क्या करूं, मुझे दुखी होना ही पड़ेगा। फिर दुखी कैसे हो गए, इसलिए उसने एक काम किया, एक जगह पर गई, बहुत सारे कांटे थे वहां पर, उसने वहां जाके अपने पंखों को जोर जोर से मारा। ओ भैया कैसे, उसका दर्द बहुत आया होगा ना, बहुत दर्द लग रहा होगी। भैया बहुत दुख रहा है अभी, वो बहुत दुख में, फिर बाद में इतना खून निकल रहा है, इतना खून दिख रहा है। ओ भैया मुझे दर्द लग रहा है। तो क्या करेंगे, राजा के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। राजा के पास जाके, राजा से दूर रहा थोड़ा, छत पे जाके वो गाने लगी, किसी को पता नहीं चल रहा है, करके छत पे चली गई और गाना गाने लगी। और गाना गाते 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 राजा बहुत अच्छा हो गया, नींद आ गई, सब लोग खुश हो गए, राजा भी खुश, प्रजा भी खुश, राजकुमार खुश, सब लोग खुश, राजा की वजह से सब लोग खुश हो गए। अच्छा, इसके सब लोग खुश हो गए, खुश हो गया। फिर बाद में गाना बंद हो गया, फिर तो राजा को तो ठीक हो गया था, मगर दूसरे दिन लोग ढूंढने गए कि बुलबुल को बुलाएंगे राजा के पास, ऐसे वक्त में राजा कैसे बुलबुल ने गाना गाया, पहले तो ना बोल रही थी, अभी बुलबुल को थैंक यू के लिए बुलाओ। लोग बुलबुल को ढूंढ रहे, आखिर में कहां आवाज सुनी थी, बोलते छत पे आवाज सुनी थी। फिर वहां देखा तो बुलबुल तो खून बह जाएगा, तो क्या होगा, उसका घायल होगा ना, और घायल हो गया। फिर बुलबुल उधर मरी पड़ी थी। क्या सीखने मिल रहा है वो हम देखेंगे। कहानी में जो बुलबुल है, समझ लो यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। हाँ, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। यीशु मसीह बुलबुल की जगह पर है। वो क्या किया, आपने देखा यीशु मसीह क्रूस पर लटका। हाँ, भैया बहुत क्रूस पर लटका, पूरे हाथ में कीड़े गाड़े हुए। अगर आपको थोड़े दिन के, थोड़ा टाइम के लिए हम ऐसे बोलेंगे ऐसा हाथ रख के रखो तो बहुत दुख लगेगा, तो ये तो ऊपर लटके थे यीशु मसीह, और कई कांटों का मुकुट पहना और खून निकल रहा था। किसके लिए? हमको आनंद देने के लिए, क्योंकि जब तक वो वहां लटकते नहीं, हमारी गुनाहों को और हमारी जो पनिशमेंट है उसका कुछ इलाज नहीं होता। जैसे टीचर आपको पनिश करते हैं, वैसे ही टीचर आपको शिक्षा देते हैं, वैसे परमेश्वर सबको शिक्षा देना चाहते थे, मगर सबकी जगह पर यीशु मसीह को शिक्षा दे दिया, ठीक है, ताकि लोगों को खुशी मिले, आनंद मिले, शांति मिले, ठीक है। जैसे बुलबुल ने अपने आप को शिक्षा दे दी है ना, वैसे परमेश्वर ने अपने आप को शिक्षा दे दी है, यीशु मसीह ने अपने ऊपर सबका
तकलीफों को परेशानियों को ले लिया। ठीक है, वो तो बहुत खुश था, स्वर्ग में बहुत आनंद करता था, मजा रहता था, बहुत खुश रहता था, मगर यहाँ पर आके उसको दुखी इसलिए होना पड़ा क्योंकि लोगों को खुश करना था। जैसे बुलबुल बहुत खुश रहती थी, लगाती नहीं थी, फिर जब राजा को तकलीफ हुआ तो बुलबुल अपने आप को तकलीफ करना पड़ा। वैसे यीशु मसीह हमारी खुशी के लिए अपने आप को तकलीफ किया, मगर अभी रोने की जरूरत नहीं क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हो। तो ये उसकी बात याद जब करोगे कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, तब आपको एक प्यार दिखाई देगा। किसका प्यार? यीशु मसीह का प्यार। और आपको देखा, पता है आपको, जब मम्मी के पास आप जाते हो, उसके नजदीक जाते हो, उसके गोदी में सोते हो, तो बहुत मजा आता है ना? बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि वहाँ प्यार मिलता है। जहाँ प्यार है वहाँ आनंद है। ऐसे यीशु मसीह के पास आप जाओगे, वो याद करोगे यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए उसने कोड़े खाए, मेरे लिए दुख उठाया, ऐसे जैसे ही तुम सोचने शुरू कर दोगे तुम्हें उसका प्यार याद आएगा। क्योंकि वचन में लिखा है, रोमियो 8 का उसके अंदर लिखा है कि तुम, रोमियो 5 का 8 में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या किया, कुर्बान किया, अपने आप यीशु मसीह को दे दिया, ताकि क्या हो, लोगों को परमेश्वर दिखा सके कि वो कितना प्यार कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप जानते ही हो ना 3:16 में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, दुनिया से इतना प्यार किया कि अपने एकलौते बेटे को भेज दिया, मुझे संदेह का सिखाया। ठीक है, तो इतना प्यार कर रहा है हमारे लिए, क्या करते हैं, प्यार अपने आप को दे के दिखाते हैं, मैं इतना प्यार करता हूँ। ठीक है, क्रूस के ऊपर अपने आप को दिखा के बोल रहा है, देखो मैं, किसी ने पूछा उसको प्रभु कितना प्यार करते हो, तो यीशु मसीह क्रूस पर मरते हुए अपने आप को दिखा रहे, देखो मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ, ऐसे क्रूस पे लटके हुए ना, इतना प्यार ऐसे। ठीक है, तो यीशु मसीह बहुत प्यार करते हैं, वो प्यार को सुन के ही मजा आ सकता है। आप मोबाइल देखने पर 5 कलाक 5 कलाक 3 कलाक तुम देखते रहोगे तो भी मोबाइल में तुम्हें कुछ गार्डन में जाना चाहिए, खेलना चाहिए, उसमें सच्ची खुशी मिलेगी नहीं, दोस्तों के साथ गप्पे मारने से ठीक है, मगर उसमें भी खुशी मिलेगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बंद कर देना है खेलना, मगर खेलो, मगर सच्ची खुशी के लिए यीशु मसीह के पास, इसके पास आना है, यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के आप कहीं पे भी मिल सकते हो, कोई भी जगह पर आप यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकते। चलिए हम प्रार्थना करते, ठीक है, ओके। मेरे पीछे बोलिएगा, हे ईश्वर पिता, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, मानते हैं, आपको मानते हैं, यीशु मसीह ने हमारी खुशी के लिए, हमारी शांति के लिए, अपने आप को बलिदान किया, हम भी मानते हैं, स्वीकार करते हैं, यीशु ही सच्चा प्यार दे सकता है, सच्चा आनंद उसके पास से उसके प्यार से मिल सकता है। इसलिए पिता हम अपने आप को आपको सौंप देते हैं कि आपसे हमारी सारी खुशी को यीशु मसीह में ढूंढेंगे, उसके क्रूस को याद करेंगे, उसके बलिदान को याद करेंगे, आपके प्यार को याद करेंगे। इसीलिए हमें मदद कीजिए, इस दुनिया से उसकी खराबी से बचने के लिए अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह के नाम से। तो बच्चे लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए और हमारे चैनल को आप देखते रहिए, और वीडियो हम लाएंगे। धन्यवाद, बाय।